नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन। और हमारी आज की रेसिपी है चने की दाल। चने की दाल बनाने के अज्जा, चने की दाल 1 कप, प्याज 2 दरमियानी साइज, टमाटर 3 दरमियानी साइज, हरी मिर्चें मोटी वाली 3, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1/4 कप। सबसे पहले हम एक कुकिंग पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें बारीक स्लाइस कीवी प्याज शामिल करेंगे। जब प्याज अच्छी सी फ्राई हो जाए यानी लाल हो जाए तो हम इसमें 3 टमाटर बिना छिलके के क्यूब्स में कटे हुए शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद जब टमाटर नरम हो जाए और अच्छा सा पेस्ट बन जाए तो हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा फ्राई करके हम इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करके अच्छे से भूनेंगे। मसाले शामिल करने के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी, 3 से 4 टेबलस्पून पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा मसाला चलने से महफूज हो जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें चने की दाल 1/2 बॉयल कीवी शामिल करेंगे। चने की दाल शामिल करने के बाद हम इसमें 1 ग्लास पानी शामिल करेंगे। दाल को मसाले में बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे, पैन को कवर करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए दाल को पकने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी दाल मुकम्मल तौर पर गल जाए तो हम उसको इतना भूनेंगे कि उसमें शामिल किया हुआ ऑयल ऊपर आ जाए। जब दाल में शामिल किया हुआ ऑयल ऊपर आ जाए तो मतलब आपकी दाल तैयार है। दाल तैयार होने के बाद इस पे हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक से गार्निश करें और मज़ेदार सी दाल सर्व करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी चने की दाल। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।